हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग जिसमें हम अपना किचन का सामान अरेंजमेंट कर रहे हैं और एक ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमने न्यू मॉड्यूलर किचन बनवाई है और आज हम इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रहे हैं, और जो कि थोड़ी सी अनकम्प्लीट है और बाकी सारा काम हो चुका है। ड्रॉर्स वगैरह बन चुके हैं और ये हमने एक्लेरिक शीट लगवाई थी, तो उसके ऊपर इस टाइप से पॉली कवर आता है, तो उसे ही हम लोग हटा रहे हैं। और आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग। यहाँ पे मेरी सिस्टर है जो मेरी हेल्प कर रही है। काफ़ी ज़्यादा मिरर लुक आता है एक्लेरिक शीट लगवाने से। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगता है किचन में। आप देख सकते हैं क्या शाइनिंग है इसकी। और हमने यहाँ पे वाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन रखा है, और इस तरीके से हम सारी कवर्स वगैरह हटा देंगे इसके ऊपर जो भी लगा हुआ है। और मैंने अपने हिसाब से पूरा मेजरमेंट करके दिया था किचन बनवाने वाले को, उसके हिसाब से सारी ड्रॉअर्स वगैरह बनी है। और सबके अंदर हमने यहाँ पे स्टील्स वाली इनोटेक ड्रॉअर्स लगवाई हैं, मैं आपको दिखा दूँगी। और हमने प्रोफाइल का, एलुमिनियम प्रोफाइल का यूज़ करा है। मैं एक किचन वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर मैं सारा इसके अंदर मेज़रमेंट वगैरह और क्या चीज़ हमने यूज़ करी है, किस कंपनी की यूज़ करी है, फुल वीडियो बनाकर मैं एक बार इसमें वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप देख सकते हो उस वीडियो से। किचन में शिफ्ट होने के लिए उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और काफ़ी अच्छा किचन लग रहा था बनने के बाद, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। इसमें 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है अभी हमारा। बट यह कि काफ़ी अच्छा फिनिश मिला है हमें किचन। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ। जो हमारे बर्तन थे वो सारे हमने एक प्लास्टिक बैग में भर के रख दिए थे, 5 से 6 बैग्स थे, उसके अंदर कवर करके रख दिए थे। और जो भी हमें मिनिमम बर्तन की ज़रूरत थी वो हमने निकाल के रख रखे थे। और काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, चाहे थोड़े 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 करके बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ पे हम सारे आज बर्तन वगैरह निकाल कर क्लीन करके रख लेंगे और फिर धीरे धीरे उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। और जब घर में काम चलता है थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, आप देख सकते हो इस टाइप से देख लें। और इस तरीके से हमने कवर करके सिल के रख दिया था बोरियों में। इस टाइप से सब में बर्तन रखे हुए हैं, और मैं सब निकाल के इसको धो के अच्छे से रख लूँगी, फिर उसमें लगाएंगे हम लोग। और ज़्यादातर हमारे पास स्टील्स के बर्तन हैं, क्रॉकरी वगैरह भी है बट वो हमने अलग जगह बॉक्स में पैक करके रख दी थी। धीरे धीरे हम सारे बर्तन निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम दोनों बहनें आपस में गुफ्तगू करती हुई और जल्दी जल्दी सारा सामान निकालते हुए, और बस इसी तरीके से हम लोग सारा सामान निकाल लेंगे और एक बर्तन बाजार लगा देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं थोड़े थोड़े करके भी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अगर आपको हमारे ब्लॉग में इतना इंटरेस्ट ना आ रहा हो तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्ट हमारी रेसिपी देख सकते हैं, जो मैंने ब्रेड पकौड़े की रेसिपी भी इसी के अंदर अपलोड करी है। और आप देखिए कितने सारे बर्तन हो गए हैं। और यहाँ पर ये मेरी बहन खड़ी हुई है, ये देखो अपना मुँह छुपा रही है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ किचन में, जो कि अभी हमने सारी पन्नी वगैरह जो भी इसके ऊपर लगी हुई थी वो सब हटा दिया, और धीरे से इसके अंदर झाड़ू वगैरह मारकर थोड़ा सफाई करेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सफाई करके ही सफाई हो पाएगी, एकदम से सारा काम नहीं हो पाता। और बर्तन वगैरह भी अभी क्लीन करने हैं, और मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी और मेरी बहन ये सफाई कर लेगी। और जैसे ही इसके ऊपर से ये कवर प्लास्टिक बैग हट जाता है, इसकी शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर हमने साइड में टेबल टॉप बनाया हुआ है, जो कि एक ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह है। और अभी ये बोर्ड्स वगैरह लटके हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रिशियन आके अरेंज कर देगा। और अभी टैप वगैरह भी नई लगी हुई है, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे करके सारा काम। और ये अभी थोड़ा सा काम किचन में पेंडिंग है, उसके क्या कहते हैं जो भी कारपेंटर है उसके औजार वगैरह हैं। और ये कटलरी सेक्शन है जो कि अंडर द कुक टॉप के हैं, और इसके साइड में हमने यहाँ पे रखा हुआ है पुल आउट। अब इसके अंदर सॉस वगैरह यानी कोई भी स्पाइसेस के बॉक्स वगैरह इजीली रख सकते हैं, अभी वो सब गंदा है। मैं बाकी क्लीन करके एक बार आपको दोबारा वीडियो दिखा दूँगी। और ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें हॉफलर के शॉकर लगाए हुए हैं एंड हाइड्रोलिक
कॉर्नर लगाए हुए हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन का कुछ सामान है जो वही स्विच वगैरह टाइप्स, और सामान इसमें थोड़ा सेफ था इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि अभी हम किचन शिफ्ट नहीं कर रहे थे। बट अब सारा सामान एक साइड करके हम लोग किचन शिफ्ट करेंगे। और ये सारे बर्तन मैं बालकनी में लेकर आ गई हूँ, क्योंकि धूप अच्छी सी है तो मैं यहीं फटाफट बर्तन धो लूँगी। और अभी 2 बज रहा था और यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ करना शुरू कर दिया है, और मेरी बहन वहाँ पे किचन थोड़ी सफाई कर रही है। और बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, धीरे धीरे करके मैं सारे साफ़ करके लगा दूँगी। और जैसे कि इलेक्शन टाइम भी चल रहा है, बट वीडियो इलेक्शन के बाद अपलोड होएगी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे कोल्ड हो रखा था तो मैं वीडियो में वॉइस ओवर अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगी। और यही है, सारे बर्तन क्लीन वगैरह हो के हम अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। और किचन में तो फिर आगे प्रोग्रेस होती रहती है, मॉड्यूलर किचन बन गया है तो आगे उसी के हिसाब से हर अरेंजमेंट हो जाएगा। और बर्तन वैसे सारे क्लीन ही थे, बट क्या है घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, धूल मिट्टी हो जाती है। ऑलमोस्ट सारे बर्तन साफ़ है, बट ये है कि एक बार फिर भी धोने से सही रहता है, क्योंकि इन्हें अरेंजमेंट करना है तो अच्छी तरीके से, और ड्रॉर्स के अंदर हो जाएंगे तो ये आराम से इजली से यूज़ भी हो जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग विकासपुरी विधानसभा से हैं, तो यहाँ पे हमारे यहाँ मुकेश शर्मा जी जो कि यहाँ कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे, उनकी रैली थी तो मैं वही देख रही थी। और मेरे हाथ में कैम मोबाइल था तो वो भी शूट हो गया। आप देख सकते हैं रैली कांग्रेस की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी भीड़ थी मुकेश शर्मा की रैली में, बट यहाँ से झाड़ू वाले जीते हैं कि महेंद्र यादव जी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर झाड़ू लगाती हुई, क्योंकि वो बुरादा वगैरह हो जाता है, कारपेंटर का काम चल रहा है तो ऑलमोस्ट हमें ही साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर सफाई करती है और मैं उस साइड बर्तन धो रही थी। और यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है यहाँ पे लाकर मोबाइल। और यहाँ धीरे धीरे बर्तन धोते धोते शाम हो चुकी है, और शाम को आप देख सकते हो अंधेरा भी हो गया है। सारे बर्तन मैंने यहाँ पे एक छोटी सी खाट है उसके ऊपर लगा दिए, जिससे कि पानी वगैरह सूख जाए, और फिर मैं सारे बर्तन एक कॉटन के कपड़े से साफ़ कर करके रखती जाऊँगी, क्योंकि मॉड्यूलर किचन है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। वैसे तो स्टील्स की टोकरियाँ हैं, फिर भी अपनी साफ़ सफाई हमारे अपने हाथों में होती है, कि अगर वो हम सुखा के रखेंगे बर्तन तो उनमें स्मेल वगैरह नहीं आती है, इसलिए सारे बर्तन यहाँ पे भी सूख जाएंगे। उसके बाद मैं एक बार कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे और बस। और यहाँ किचन अब टिप टॉप होती हुई किचन आ गई है, किचन में बिल्कुल सफाई हो चुकी है, अच्छी तरीके से कपड़े वगैरह भी लग गए हैं। किचन में हमने ज़्यादातर क्या सारे ही हाइड्रोलिक कॉर्नर्स का यूज़ करा है, जो कि फेबुला कंपनी के हैं। और अब आप देख सकते हो पुल आउट बिल्कुल क्लीन है, जो मैंने इससे पहले क्लिप डाली थी उसके अंदर पुल आउट में थोड़ा सा गंदगी थी, और कटलरी सेक्शन भी साफ़ हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके भी काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, और साफ़ सफाई में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जहाँ हमने इसके अंदर ये स्लैब्स वगैरह डलवा दी, क्योंकि बर्तन वगैरह जो होते हैं काफ़ी बड़े बर्तन भी हो जाते हैं तो वो अच्छे से ड्रॉअर में नहीं आ पाते, बड़ी बड़ी डोलची एंड भगोने वगैरह टाइप के, तो स्लैब्स के अंदर ऐसे डलवा के रख दिए। और मुझे सबसे ज़्यादा किचन में पुल आउट सेक्शन अच्छा लग रहा है, इसलिए बार बार मैं पुल आउट को निकाल के दिखा रही हूँ। और ये सिंक एरिया के ऊपर की ड्रॉल है, और देखिए मैं इसे अभी आपकी इसकी फिनिशिंग दिखाऊंगी, कि इन्हें हमें शट डाउन नहीं करना पड़ता, ये बस अपने आप छोड़ दीजिए और वो अपने आप ही बंद हो जाती हैं ड्रॉर्स। हाइड्रोलिक का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये मैंने वन साइड के बर्तन दिखा दिए थे, अदर साइड के बर्तन हैं जो कि धुल के मैंने सारे रख दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे, कुछ मैंने कुर्सी पे रख दिए थे एक भगवाने के अंदर करके। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, सारे बर्तन इसके नीचे थे, और पुट्टी वाले भी आ गए थे तो उन्हें पुट्टी करनी थी, क्योंकि हमने ये सिर्फ बीच में ही टाइल लगवाई है, इससे ऊपर पुट्टी होनी थी, तो मैंने सारे बर्तनों के ऊपर चादर वगैरह ढाँक दी थी। बट फिर भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ गई थी, क्योंकि फिर मेरे को सारे बर्तन दोबारा से सबके अंदर कपड़ा लगाना पड़ा था। चादर तो डबल करके ढाँक दी थी, बट ये है कि थोड़ी धूल मिट्टी हो जाती है, और फिर ड्रॉअर्स में भी दोबारा से ही क्लीन करना पड़ा, सारा काम डबल डबल हो जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है घर में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही जाती है। बट ये किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है, और थोड़ी मेहनत करके हम किचन में शिफ्ट होना ही चाहते थे, तो इसलिए मैंने सब क्लीन करके दोबारा से बर्तन वगैरह अपनी किचन पूरी फुल सेटल कर ली थी। और मैं एक वीडियो आपको इसका डालूंगी कि मैंने किचन में कैसे कैसे सामान को अरेंज किया है, कहाँ कहाँ कौन सा सामान लगाया है किस ड्रॉअर में। और यहाँ पे बस यही मैं कपड़ा वगैरह मारती हुई थोड़ा सा,
और ये मेरी वीडियो आ गई है जो कि खाने की वीडियो है। यहाँ ब्रेड पकौड़े की रेसिपी बन रही है। इसमें मैंने बॉयल पटेटो लिए हैं और बॉयल पटेटो को मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा हैंड से इजी वे होता है, इसलिए मैं हैंड से फटाफट कर लेती हूँ। और इसके नेक्स्ट डे की क्लिप है, मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट बना रही थी तो मैंने कहा चलो इसे भी इसी के अंदर कर लेती हूँ। यहाँ पे एक धनिया है जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और 4 से 5 मिर्च है हरी मिर्च, उसे भी मैंने बारीक काट लिया था। काफ़ी इजी है, आप बना के और ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी हेल्थी है। और यहाँ मैंने जीरा ऐड कर दिया, ये बॉइल्ड मटर थी वो भी ऐड कर दी है, और यहाँ सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर धनिया वगैरह पाउडर और काफ़ी गर्म मसाला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मैगी मसाला यूज़ कर लिया था जिसके अंदर सारे फ्लेवर ऐड हो जाते हैं, तो काफ़ी इजी रहता है। और काफ़ी ज़्यादा शाम को काम कर करके थक गई थी, तो इसलिए मेरी सुबह इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं प्रॉपर तरीके से बना सकूँ, बट ये है कि ये भी इजी वे से काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी खाने में यम्मी लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये रहा मैगी मसाला, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैगी मसाला का अपना ही फ्लेवर होता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है ब्रेड पकौड़े में या फिर किसी भी चीज़ में डालने में। और लेमन का यूज़ कर लिया है, लेमन भी डालना चाहिए तो थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैं लेमन अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपने हैंड से। आप चाहे तो स्पैचुला की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, बट ये कुछ बड़े बड़े आलू थे तो मैं उन्हें हाथ की हेल्प से ही मैश करके अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैं इसके अंदर पनीर क्यूब्स भी ऐड कर रही हूँ, सही रहता है, थोड़ा ब्रेकफास्ट में हैवी खाना हो जाए तो ये है कि लंच तक आराम से वेट हो सकता है, इसलिए पनीर क्यूब्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, थोड़ा हेल्थी भी रहता है। और बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। और आई होप आपको मेरी रेसिपी भी पसंद आए और मेरा ब्लॉग भी पसंद आए, क्योंकि एक ब्लॉग बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। और यहाँ पे मैं अपना घोल की तैयारी कर रही हूँ, थोड़ा बेसन लेकर, और बेसन के अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा सा पानी, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हाथों से। आप चाहें तो ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट डालना जरूरी रहता है, वैसे तो मसाले के अंदर भी सॉल्ट होता है, बट ये बाहर प्लेन परत रहेगी, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा सॉल्ट घोल के अंदर भी डालिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बट ये कि आप मेंटेन करके चलिए क्योंकि आपने मसाले के अंदर भी नमक डाल रखा है। और बेसन की क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ मैंने पानी डाल दिया, और इसे फटाफट फेंट लेंगे एक स्मूथ सा बैटर बनाकर। बस इसके अंदर अपने ब्रेड पकौड़े तलने के लिए तैयार कर देंगे। और यहाँ पे मैंने साइड में कढ़ाई भी रख दी है, उसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है। ज़्यादातर चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं, रिफाइंड बहुत कम यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल या फिर घी वगैरह यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दो चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं और चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं। और बस मैंने यहाँ ब्रेड तैयार कर लिए हैं, ब्रेड की 2 स्लाइसेस लिए हैं, और इस पे हम लगाएंगे ग्रीन चटनी जो कि हरे धनिया की चटनी है, और एक पर चाहे तो आप टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ टमाटो केचप नहीं लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा फ्लेवर भी अजीब सा लगता है मुझे उसका, और थोड़ा फटाफट में भी थी तो मैंने कहा चलो एक साइड ग्रीन चटनी लगा देते हैं, अदर साइड, और अब हम इसको 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। काफ़ी यम्मी लगता है ये ब्रेड पकौड़ा, आप इसे भी बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी जल्दी रेसिपी, अगर मसाला बना हुआ रखा हो आप फ्रिज पर मसाला बना सकते हैं, और घोल बनाए फटाफट और ब्रेड को सेकने के लिए रख दें। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई तैयार रख दी है, और बस मैं इसे डिप करूँगी अच्छी तरीके से, और डिप करने के बाद मैं इसे ऑयल में डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। आपको 1 साइड ब्राउन कर लेना और फिर अदर साइड ब्राउन करके अच्छी तरीके से सेक लेना है। और एक बैच में 2 से 3 ब्रेड पकौड़े आराम से सेक सकते हैं, तो आप 3 ब्रेड पकौड़े आराम से सेक सकते हैं। मेरी कढ़ाई यहाँ पे थोड़ी सी सही है, मीडियम साइज की है, तो मैं इसमें 4 ब्रेड पकौड़े आराम से सेक सकती हूँ, बट मैंने फर्स्ट टाइम में 2 ही सेके थे, उसके बाद मैं 4 ब्रेड पकौड़े सेकूंगी। और काफ़ी अच्छी रेसिपी है, और काफ़ी अगर आपको ट्राई करना है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इससे पहले मैंने खोए की रेसिपी डाली है, और उसे भी आप देखिएगा अगर आपको खोया बनाना हो तो। और वैसे काफ़ी सिंपल भी मैं बताया है उसमें मैंने खोए की रेसिपी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर
और दोनों साइड से हम ब्रेड पकौड़े को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और बस निकाल लेंगे कढ़ाई से। और ऐसे ही हम दूसरा बैच भी डाल के आराम से फ्राई करके उसे भी निकाल लेंगे। और संडे को तो आप यूजली खा सकते हैं, थोड़ा ऑयली खाना भी, उससे कुछ नहीं होता है। बट ये कि आप डेली डेली ऑयली ना खाएं, क्योंकि थोड़ा हार्मफुल भी रहता है हमारी हेल्थ के लिए। बट वीक में 1 डे या 2 डे तो चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 ब्रेड पकौड़े डाल दिए, क्योंकि कढ़ाई सही है मीडियम साइज़ की, तो 4 ब्रेड पकौड़े मैं आराम से सेक सकती हूँ। और बस दोनों साइड से ब्राउन हो जाएंगे, मैं इनको निकाल लूँगी। आप चाहे तो ग्रीन चटनी, टमाटो केचप और चाय के साथ इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने टर्न कर दिया है ब्रेड पकौड़ों को, और दूसरी साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे, अच्छे से सीख जाएंगे और फिर निकाल लेंगे। पेपर टॉवल में भी हम निकाल सकते हैं। और मेरी 4-5 वीडियो बैठ के बनाने की वजह यही थी कि हमारी जो किचन में काम चल रहा था, और तो इस वजह से हम लोगों ने अपने हॉल में ही सारा सामान किचन का एक जगह रखा हुआ था, तो इसीलिए हमें सारा काम बैठ के ही करना पड़ रहा था। अनिवार्य में कई सोच लोग सोचते हो कि भाई बैठ के क्यों बनाते हैं ये वो, तो उसीलिए मैंने कहा कि चलो बता देते हैं कि हमारी मॉड्यूलर किचन बनकर तैयार हो गई है। और जो आपको बाकी वीडियो हैं वो ऐसी नहीं मिलेंगी, काफ़ी अच्छी तरीके से मिलेंगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बाय।